हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज मैं आपके साथ एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसका नाम है बियर कॉल स्प्रेड। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये बियरिश इन नेचर होती है। इसमें आपको प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट नीचे जाएगा। ये बुल कॉल स्ट्रेटेजी के एकदम ऑपोजिट होती है। बुल कॉल स्ट्रेटेजी जो कि बुलिश इन नेचर होती है। अगर आप नहीं जानते कि बुल कॉल स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो ये ऊपर मैंने आपको लिंक दे दिया है। इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि बुल कॉल स्ट्रेटेजी क्या होती है और अगर मार्केट इसके अगेंस्ट जाता है तो आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो। तो बियर कॉल स्ट्रेटजी बुल कॉल स्ट्रेटजी के एकदम ऑपोजिट होती है। दोनों ही टू लेग स्ट्रेटजी होती है, लेकिन बुल कॉल स्प्रेड बुलिश इन नेचर होती है और बियर कॉल स्प्रेड बियरिश इन नेचर होती है। वहीं बुल कॉल स्प्रेड एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है और बियर कॉल स्प्रेड एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं और इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। तो चलिए ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और अभी लाइव मार्केट चल रहा है। निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17650 के आसपास, ऑलमोस्ट 17700 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अब मैं आपको ऑप्शन पे लेके चलूंगा और एक बियर कॉल स्प्रेड को ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो चलिए ये मैं आपको ऑप्शन पे ले आया हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं एक बियर कॉल स्प्रेड को ट्रेड करके। तो देखिए निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17650 के आसपास। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक बियर कॉल स्प्रेड को कैसे ट्रेड करते हैं। तो देखिए बियर कॉल स्प्रेड में क्या होता है, हम नीचे के स्ट्राइक को सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट हम ऊपर के स्ट्राइक को बाई करते हैं। जो हम बुल कॉल स्प्रेड में करते हैं उसका एकदम ऑपोजिट हम बियर कॉल स्प्रेड में करते हैं। देखिए बियर कॉल स्प्रेड में आपको प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो उसको आप ऑप्शंस के थ्रू दो तरीके से प्ले कर सकते हैं, या तो आप पुट बाई कर लीजिए या आप कॉल सेल कर लीजिए। तो हम यहां पे कॉल सेल करेंगे। तो अब मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूं और ये दिखाता हूं। देखिए 17700 जो कि ऑलमोस्ट एट द मनी है, उसका मैं एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम अभी 314 रुपीज चल रहा है। तो इसका मैं एक लॉट सेल कर देता हूं। और अब आप पे ऑफ चार्ट को देखिए, मैंने 17700 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है जिसका प्रीमियम चल रहा है 314 रुपीज़। तो ये मैंने सेल किया है, मतलब 314 रुपीज़ मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। तो अब आप पे ऑफ चार्ट में देखिए, अगर निफ्टी नीचे जाता है, नीचे कहीं भी जाता है, तो मुझे 15700 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा निफ्टी नीचे कहीं भी जाए चाहे। लेकिन अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो मुझे कितना भी लॉस हो सकता है, मेरा लॉस अनलिमिटेड है। और मेरा ब्रेक इवन क्या है, 18000। अगर 18000 के ऊपर निफ्टी जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, और अगर उसके नीचे रहता है तो मुझे 15700 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो मैं अपने बेयरिश व्यू को ऑप्शन सेलिंग के थ्रू प्ले तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये अनलिमिटेड लॉस नहीं लेना चाहता, तो मैं इसको हेज करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने 17700 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, 314 रुपीज मैंने कलेक्ट कर लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाऊंगा और इससे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा, ताकि ये जो अनलिमिटेड लॉस मुझे हो रहा है इसको मैं लिमिटेड कर दूं। तो देखिए मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में गया, मैंने 17700 का कॉल ऑप्शन सेल किया और मैं 200 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और 17900 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा जिसका प्रीमियम चल रहा है 209। तो ये मैंने बाय कर लिया एक लॉट। अब आप पे ऑफ चार्ट को देखिए, अब देखिए जो नीचे आपको अनलिमिटेड लॉस हो रहा था, वहां पे अब आपको 4700 रुपीज का लॉस हो रहा है। अगर निफ्टी अब ऊपर जाता है तो अब आपको जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो है 4700 रुपीज का, और अगर निफ्टी नीचे जाता है तो आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो है 5200 रुपीज का। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 17700 का कॉल ऑप्शन सेल किया था, लेकिन उसमें अगर निफ्टी नीचे जाता तो मुझे प्रॉफिट होता, लेकिन अगर ऊपर जाता तो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता था। तो मैंने क्या किया, उस अनलिमिटेड लॉस को हटाने के लिए 17900 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, और इसके लिए मैंने कितना प्रीमियम पे किया, 209 रुपीज। तो अब आप देखिए, जब मैंने सिर्फ कॉल ऑप्शन सेल किया था 17700 का, तब मुझे जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था वो था 15700 रुपीज का। लेकिन अब जब मैंने इसको एक बियर कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब आप देखिए जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो है 5200 रुपीज का, और नीचे की तरफ जो लॉस था वो भी अब अनलिमिटेड से लिमिटेड हो चुका है। अब मुझे मैक्सिमम लॉस 4700 रुपीज का हो सकता है। तो ये प्रॉफिट और लॉस कहां से निकल के आया है, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए 17700 की कॉल को मैंने सेल किया था तो मुझे कितना प्रीमियम मिला था, 314 रुपीज। और अब मैंने क्या किया, 17900 की कॉल को बाय कर लिया, एक हेज बाय कर लिया मैंने, और उसके लिए मैंने कितना प्रीमियम पे किया, 209 रुपीज। तो अब आप देखिए 314 रुपीज मैंने कलेक्ट किए थे और 209 रुपीज मैंने मार्केट को वापस दे दिए। तो मेरे पास कितने रुपए रह गए,
314 में से अगर मैं 209 रुपीस माइनस करता हूं तो कितने रुपए मेरे पास रह गए, 105 रुपीस। मेरे पास 105 रुपीस रहते हैं और ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हो ये यही 105 रुपीस हैं। ये जो 5200 रुपीस का मुझे प्रॉफिट हो रहा है ये 105 रुपीस ही हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं। और नीचे की तरफ आप ये जो लॉस देख रहे हो ये कहां से आया है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए मैंने कितने रुपीस कलेक्ट किए हैं, 105 रुपीस, 314 मैंने कलेक्ट किए थे और हेजिंग के लिए मैंने 209 रुपीस मार्केट को वापस दे दिए, तो मेरे पास कितने रुपए रह गए, 105 रुपीस। अब आप देखिए ये जो स्ट्राइक्स का डिफरेंस है ये कितना है, 17700 की कॉल मैंने सेल की है और ऊपर जाके 17900 की कॉल मैंने बाई की है, तो 17700 और 17900 के बीच में कितना डिफरेंस है, 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और मैंने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया है, 105 रुपीस। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है स्ट्राइक्स के बीच में, इसमें अगर आपने जो प्रीमियम कलेक्ट किया है उसको माइनस कर दोगे तो जो फिगर निकल कर आती है वही लॉस यहाँ पे आपको होगा। तो देखिए ये जो गैप है ये है 200 रुपीस का और मैंने प्रीमियम कितना लिया है, 105 रुपीस का। तो 200 में से अगर मैं 105 रुपीस माइनस कर देता हूं तो बचता है 95। तो यही 95 पॉइंट्स का मुझे लॉस हो रहा है यहाँ पे 4750 रुपीस का। निफ्टी का लॉट साइज है 50। अगर आप 95 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही निकल कर आएगा। तो इस तरह से होता है एक बियर कॉल स्प्रेड में प्रॉफिट और लॉस। अब आपका सवाल होगा कि ये जो मैंने डिफरेंस लिया है, ये जो गैप लिया है, ये 200 पॉइंट्स का लिया है, ये गैप मुझे कितना लेना है। देखिए आप इस गैप के साथ प्ले कर सकते हो, वो आपका अपना रिस्क एपेटाइट है। मैंने यहाँ पे 200 पॉइंट्स का गैप लिया है, आप इसको 300 पॉइंट्स भी कर सकते हो, 500 पॉइंट्स भी कर सकते हो, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप इस गैप के साथ खेलोगे आपके प्रॉफिट और लॉस में चेंजेस आएंगे, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 200 पॉइंट्स का गैप लिया है, अगर मैं इस गैप को 300 पॉइंट्स कर देता हूं तो आप देखिए ये प्रॉफिट और लॉस कैसे चेंज होता है। तो देखिए मैंने 17900 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, अगर मैं और ऊपर जाकर 18000 का कॉल ऑप्शन बाय करता हूं तो क्या होगा, ये जो लॉस है ये और बढ़ जाएगा, ये प्रॉफिट भी बढ़ेगा लेकिन ये लॉस भी बढ़ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार करके, अगर मैं 17900 की कॉल की बजाय 18000 का कॉल ऑप्शन बाय करता तो देखिए प्रॉफिट और लॉस कैसे चेंज होता है। इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूं। अब आप देखिए आपका जो ऊपर की तरफ प्रॉफिट है वो 6900 रुपीस का हो रहा है और नीचे की तरफ लॉस भी अब आपका बढ़ गया है, 8100 रुपीस का आपका लॉस बढ़ गया है। मतलब जैसे जैसे आप इस गैप को बड़ा करोगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा लेकिन आपका रिस्क भी बढ़ता जाएगा, आपका लॉस भी बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए मैं इस गैप को और बड़ा कर देता हूं, मान लीजिए ये जो गैप 300 पॉइंट्स का भी आप देख रहे हो, इसको अगर मैं 500 पॉइंट्स का गैप कर देता हूं तो आप देखिए प्रॉफिट और लॉस कैसे बदलता है। तो देखिए 17700 की कॉल मैंने सेल की है और अगर मैं 500 पॉइंट 500 पॉइंट्स ऊपर जाकर अगर मैं ऑप्शन बाय करता हूं, प्रोटेक्शन बाय करता हूं, तो आप देखिए क्या होगा। तो 17700 से 500 पॉइंट्स ऊपर जाऊंगा, दैट मींस मैं 18200 का कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। तो मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं। तो अब आप देखिए मैंने 17700 का कॉल ऑप्शन सेल किया था और 18200 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर लिया। अब आप देखिए जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो 10,500 रुपीस का है और मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 14,400 रुपीस का है। तो आप देखिए मेरा प्रॉफिट तो बढ़ा है लेकिन उसके साथ साथ मेरा रिस्क भी बढ़ रहा है, मेरा मैक्सिमम लॉस भी बढ़ रहा है। अगर मार्केट नीचे जाता है तब तो ठीक है, मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मेरा डायरेक्शनल व्यू गलत होता है और मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस के बीच का गैप है ये आप कैसे चूज करोगे, ये आपका अपना रिस्क एपेटाइट है। अगर आपको ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप इस गैप ज्यादा कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है और आप कम प्रॉफिट के साथ भी सेटिस्फाई हो तो इस गैप को आपको कम रखना है। आइडियली आपको ये गैप 200 से 300 पॉइंट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, मैं इस गैप को 200 से 300 पॉइंट के बीच ही रखता हूं। तो ये होता है बियर कॉल स्प्रेड, ये टू लेग स्ट्रेटेजी होती है जो बियरिश इन नेचर होती है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा। और इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने के लिए आपको जो मार्जिन चाहिए वो देखिए यहाँ पे 42,000 रुपीस दिखा रहा है, ये 35,000 से 45,000 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। मार्केट में क्या वोलेटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ये जो मार्जिन आपको दिख रहा है ये 2-3 हज़ार ऊपर नीचे होता रहता है। तो मतलब आपको ये ट्रेड इनिशिएट करने के लिए कोई बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। देखिए शुरू में मैंने जो 17700 का कॉल ऑप्शन सेल किया था, अगर मैं उसी को रखता, ये प्रोटेक्शन बाई नहीं करता, तो आप देखना मार्जिन रिक्वायरमेंट मेरी कितनी बढ़ जाती है। देखिए अगर मैंने 17700 का कॉल ऑप्शन ही सेल किया है और कोई प्रोटेक्शन बाई नहीं की है तो मुझे जो मार्जिन चाहिए वो है 1,15,000 रुपीस का, लेकिन क्योंकि मैंने प्रोटेक्शन बाई किया है, मैंने 18,000 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, तो अब आप देखिए जो मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है
वो कम हो गया, देखिए यहाँ पे 32,000 रुपीज़ हो गई है। अब आप देखिए पहले 42,000 रुपीज़ थी, अभी 32,000 रुपीज़ दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले मैंने 18,200 का कॉल ऑप्शन बाई किया था। इसके बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा आपका रिस्क तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी ऊपर जाती जाएगी जैसे जैसे आप इस गैप को बढ़ाते जाओगे। देखिए अभी 32,000 रुपीज़ का मार्जिन आपको चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको 18,200 कर दूंगा तो यही मार्जिन 42,000 रुपीज़ हो जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको 18,200 कर देता हूँ तो आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो देखिए 42,000 रुपीज़ होगी। और अगर इसको मैं और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए मैंने 200 पॉइंट और बढ़ा दिया, तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो जाएगी। इस 18,200 को मान लीजिए मैं 18,400 कर देता हूँ, ये जो गैप है इसको और बढ़ा देता हूँ, तो आप देखिए प्रॉफिट और लॉस तो बढ़ ही रहा है। आपका प्रॉफिट अब 12,000 रुपये का हो गया और आपका लॉस अब 22,000 रुपीज़ का हो गया है, लेकिन साथ ही आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी देखिए 50,000 रुपीज़ हो गई है। तो अगर आप गैप को बढ़ाते हो तो आपका रिस्क भी बढ़ रहा है और आपका मार्जिन भी ज़्यादा लग रहा है। तो गैप आपको 200 से 300 पॉइंट के बीच रखना है, हमेशा आपको 200 से 300 पॉइंट्स के बीच ये गैप रखना है। वो सेफ भी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा। चलिए तो ये हो गया बियर कॉल स्प्रेड। अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा और आप ऑप्शन सेलिंग के थ्रू उस व्यू को प्ले करना चाहते हैं, लेकिन आप नेकेड कॉल भी सेल नहीं करना चाहते, तो उस केस में आप बियर कॉल स्प्रेड को डिप्लॉय कर सकते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट है वो लिमिटेड होगा, लेकिन आपका लॉस भी लिमिटेड होगा, आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट की, कि अगर मार्केट नीचे जाता है तब तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये जो मुझे लॉस होता है इसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूं। तो देखिए इसको मैनेज करने का मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, जिसमें ये जो आपका यहां पे लॉस हो रहा है ये लॉस तो पूरा मिट ही जाएगा, ऑन द कॉन्ट्रेरी आपका जो प्रॉफिट हो रहा है ये भी इनहेंस हो जाएगा। तो वो जो एडजस्टमेंट है वो अपनी आप में एक स्ट्रेटेजी है, उस पे मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है अगला वीडियो या उससे अगला वीडियो मैं उसी पर बनाने वाला हूं, तो उस वीडियो को आप देखिए, उसमें आप समझ जाओगे कि एक बियर कॉल स्प्रेड में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन देखिए किसी भी ट्रेड में एडजस्टमेंट करना आपका लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए, आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मैं एडजस्टमेंट करके और इस पोजीशन को संभाल लूंगा। देखिए सबसे ज्यादा ध्यान आपको जहां पे देना है वो आपको देना है ट्रेड इनिशिएशन पे। जब आप ट्रेड को इनिशिएट करते हो वहां पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपने गलत ट्रेड को इनिशिएट किया है तो फिर एडजस्टमेंट भी आपको बचा नहीं पाएंगे। एडजस्टमेंट तब किया जाता है जब एक अच्छा ट्रेड आपने लिया है लेकिन मार्केट उसके अगेंस्ट चला गया, अब आपको मैनेज करना है। लेकिन आपने शुरू में एक गलत ट्रेड ले लिया तो आप उसमें कितने एडजस्टमेंट कर लीजिए फिर आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। तो अच्छे ट्रेड से मेरा मतलब क्या है? अच्छे ट्रेड से मेरा मतलब यह है कि जब आप ट्रेड को इनिशिएट करते हो वहां पे ये स्कोप होना चाहिए कि हाँ मैं इसको मैनेज कर सकता हूं, एडजस्टमेंट करके मैं इस पोजीशन को मैनेज कर सकता हूं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अगर आपने एक बियर कॉल स्प्रेड ट्रेड किया है, यहाँ पे देखिए अगर मैंने 17,700 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और उसके अगेंस्ट मैं 200 पॉइंट ऊपर जाता हूँ और 17,900 का एक कॉल ऑप्शन मैं बाई कर लेता हूँ, तो देखिए जब आपने ट्रेड को इनिशिएट किया उसी टाइम पे आप बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं हुए, आपका जो प्रॉफिट है वो 5,100 रुपीज का है और आपका लॉस जो है वो 4,800 रुपीज का है, मतलब आपका प्रॉफिट और लॉस 1:1 के रेशियो में है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो इस लॉस को आप बहुत इजिली अवॉइड कर सकते हो, इसको आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब आपने ट्रेड को इनिशिएट किया तो आपने स्कोप छोड़ा है कि हाँ अगर मार्केट मेरे ट्रेड के अगेंस्ट जाता है तो मैं इसको मैनेज कर लूंगा। लेकिन वहीं अगर आपने ट्रेड इनिशिएट इस तरह से ना किया होता और पे जो 17,700 का कॉल ऑप्शन आपने सेल किया उसकी प्रोटेक्शन आपने 200 पॉइंट ऊपर ना बाई करके और 500-600 पॉइंट ऊपर बाई की होती तो आप देखिए, मान लीजिए मैंने ये प्रोटेक्शन बाई की है 18,300 पे, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में, और मैंने क्या किया ये जो गैप है इसको बढ़ा दिया। अब आप देखिए मेरा प्रॉफिट तो बढ़ गया, मुझे ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मेरा लॉस देखिए अब मुझे 18,000 रुपीज का लॉस भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1 नहीं है, अब आपका रिस्क रिवॉर्ड देखिए 1:0.66 है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको सिर्फ 12,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको 18,000 रुपीज का लॉस होगा। हालांकि मैनेज इसको भी किया जा सकता है, लेकिन अब इसको टोटली नलीफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये 18,000 का लॉस है, इसको कम करके आप 9,000 पे ले आओगे, 8,000 पे ले आओगे, लेकिन इसको जीरो करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपने जीरो कर भी दिया तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेड इनिशिएट करते हो वहां पे आपको ट्रेड को इस तरीके से इनिशिएट करना है कि उसमें एडजस्टमेंट का स्कोप रहे, कि अगर मार्केट आपके ट्रेड के अगेंस्ट जाए तो आप उसको मैनेज कर पाओ, इस चीज का स्कोप हो। एक
अच्छे ट्रेड में एडजस्टमेंट करके उसको मैनेज करना इजी होता है, लेकिन आपने ट्रेड ही गलत शुरू कर दिया है तो उसको आप कितना ही मैनेज कर लो, आप उसको पूरी तरह से मैनेज नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको यहां पे दिखाया, यहां पे देखिए आपने जब ट्रेड इनिशिएट किया तो आपने गैप काफी लंबा कर लिया, यहां पे आपने ट्रेड को मैनेज करने का जो स्कोप है उसको नैरो कर दिया है। यहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 12,000 रुपीज का और लॉस हो रहा है 18,000 रुपीज का। हालांकि ये मैनेज हो जाएगा, लेकिन 18,000 को जीरो करना आपके लिए ज्यादा मुश्किल होगा कंपैरेटिवली अगर ये लॉस आपका 4,800 रुपीज का होता, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। अब अगर मैंने ये गैप सिर्फ 200 पॉइंट का रखा होता तो मेरा लॉस 4,800 रुपीज का होता, जिसको मैं इजीली मैनेज कर लेता। लेकिन क्योंकि मैंने ये गैप शुरू में 600 पॉइंट्स का कर दिया तो अब इसको मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो चलिए बहुत जल्दी मैं आपके साथ वो स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिससे आप एक बियर कॉल स्प्रेड को टोटली नो लॉस ट्रेड बना सकते हो। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो ये जो लॉस आपको दिख रहा है ये पूरा आपका हट जाएगा। तो वो स्ट्रेटेजी क्या है इस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।